बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियां हैं और अब तो देश ही नहीं विदेशों में भी भारतीय अभिनेत्रियों का लोहा माना जाने लगा है। इस काम में सबसे पहले नाम आता है प्रियंका चोपड़ा का, जिन्होंने हॉलीवुड में धमाल मचा रखा है। लेकिन दोस्तों, आपको आज हम प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी बड़ी स्टार और ऐसा काम जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर कौन सी है वो बात, जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। बॉलीवुड को अपनी एक्टिंग का दीवाना बनाने के बाद प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में भी अपना जलवा दिखा रही हैं। इनकी गिनती टॉप की एक्ट्रेसेस में होने लगी है। प्रियंका चोपड़ा एक इंटरनेशनल स्टार बन चुकी हैं। बॉलीवुड के बाद वो हॉलीवुड की सबसे अधिक कमाई करने वाली एक्ट्रेसेस में से एक हैं। यहां तक कि देसी गर्ल के नाम से मशहूर प्रियंका चोपड़ा ने न्यूयॉर्क में घर भी खरीद लिया है और अब वो वहीं रहती हैं। वो अब भारत से ज्यादा समय विदेश में गुजारती हैं। कहा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में प्रियंका ने नाम और दौलत दोनों खूब कमाए हैं। प्रियंका की ब्रांड वैल्यू और फीस दोनों काफी बढ़ गई है। इसी बीच एक डांस परफॉर्मेंस के लिए प्रियंका चोपड़ा ने 5 करोड़ मांगे हैं, जिसे सुनकर शो मेकर्स भी हैरान रह गए। प्रियंका की पहली हॉलीवुड फिल्म बेवॉच थी। अब वो हॉलीवुड में अपना करियर बना चुकी हैं और उनके पास फिलहाल कई प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए प्रियंका की ब्रांड वैल्यू काफी बढ़ गई है। लेकिन देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा उस वक्त अचानक सुर्खियों में आ गई थी जब एक डांस परफॉर्मेंस के लिए प्रियंका चोपड़ा ने 5 करोड़ मांगे। दरअसल ये किसी फिल्म या फिर टीवी सीरियल के लिए उनकी फीस नहीं थी, बल्कि ये तो एक डांस परफॉर्मेंस के लिए मांगी गई रकम थी। एक डांस परफॉर्मेंस के लिए प्रियंका ने 5 करोड़ की डिमांड रख दी। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रियंका इन दिनों इंटरनेशनल स्टार बन चुकी हैं। लेकिन प्रियंका ने अपनी फीस इतनी बढ़ा दी है कि हर कोई उन्हें अपने शो में नहीं बुला पा रहा। ये बात थोड़ी पुरानी है, जब इंडिया में एक अवार्ड शो में प्रियंका को डांस के लिए अप्रोच किया गया। इस शो में प्रियंका का सिर्फ 5 मिनट का डांस था, जिसके लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी, यानी हर मिनट का 1 करोड़। दरअसल बीते साल 19 दिसंबर को जी सिने अवार्ड का आयोजन किया जाना था। इस दौरान परफॉर्म करने के लिए प्रियंका को अप्रोच किया गया, लेकिन प्रियंका ने शो के प्रोड्यूसर से 5 करोड़ फीस मांगी, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। जी सिने अवार्ड में परफॉर्म करने के लिए अपने हर एक मिनट के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए मांगे। अब इस खबर के बाद से ही प्रियंका को लगातार ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन उसको लेकर प्रियंका चोपड़ा ने अपनी ओर से कोई भी बात नहीं कही। लेकिन मौका जरूर आया उनका करारा जवाब सुनने का, जब वो एक इवेंट पे पहुंची और उनसे इस मुद्दे के बारे में पूछा गया कि क्या ये सच है या फिर नहीं। तो प्रियंका ने कहा, हाँ ये बिल्कुल सच है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई हीरो होता तो ये मुद्दा उठता क्या? क्या ये सवाल उससे किए जाते या उसे ट्रोल किया जाता क्या? लेकिन एक्टर्स को इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो तो एक्टर हैं, वो तो हीरो हैं। हीरोइन अगर ये सब चीज कर रही है तो गलत है, उनका तो रुतबा बड़ा हो रहा है, बड़ी ही वो चालाक बन रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपको बता दूं, मुझे पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैं काम कर रही हूँ उस काम के लिए मुझे जो पैसा मिल रहा है वो बिल्कुल सही है, और जो जायज है उसी का पैसा मैं ले रही हूँ। दोस्तों आपको बता दें, प्रियंका चोपड़ा ने साफ तौर पे कहा है कि सालों से मैं मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंची हूँ, और इस मुकाम पे खड़े होने के बाद भी अगर मैं इतना पैसा न मांगू जितना मुझे चाहिए और इस हिसाब से मांगू कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर सारी मुसीबत मुझ पे ही खड़ी हो जाएगी। और दोस्तों प्रियंका चोपड़ा साफ तरीके से कहती भी नजर आई कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में लड़कों को ही हीरो को ही तवज्जो दी जाती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी गाड़ी और मेरे बैंक बैलेंस में कितने 0 लग रहे हैं, लेकिन हाँ मुझे इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और उसका जायज पैसा मुझे जरूर मिलना चाहिए। खैर दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा ऐसे करारे जवाब देना जानती हैं अपने ऊपर उठी कॉन्ट्रोवर्सी और ट्रोलिंग पर। तो क्यों दोस्तों, आपको क्या लगता है, प्रियंका चोपड़ा का 5 मिनट का परफॉर्मेंस के लिए 5 करोड़ मांगना सही है या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर कमेंट करें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।